गाइस बंदर को प्रसाद दिख गया था, ये देखो प्रसाद ले लिया बंदर ने। गाइस रास्ते में पूरा पकड़ लिया बंदरों ने, ये देखो बच्चा कुछ प्रसाद भी सारा ले लिया, पकड़ लिया गाइस, बहुत डर लग रहा है बीबी। गाइस वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग, और हम जाने वाले सावित्री माता के, तो फिलहाल तो रात हो गई, तो हम निकलेंगे कल। तो आप देख सकते हो उधर से ये लाइट जल रही है ना, यही है सावित्री माता का मंदिर। तो मिलते हैं सुबह, तो सुबह वीडियो बनाएंगे, तो चलो सुबह मिलते हैं फिर। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं सावित्री माता मंदिर। इधर टोटल 9:30 सीढ़ियां है, देखो मजा आया। गाइस मैं पहले भी आ चुका हूँ उधर कई बार, अभी मम्मी सब लोग आगे चल गए। ये रोप वे, ये उस तरफ से उसका टिकट होता है, मगर इधर से देखो ये रोप वे वहाँ से निकलता है। अभी देखने को मिल जाए तो देखते हैं, अभी इधर से रोप वे बाहर निकलता है। अगर आपकी मम्मी या दादी साथ में आ रही है तो आप रोप वे का यूज ले सकते हो। ये आपको 3 से 4 मिनट में ऊपर पहुंचा देता है। गाइस मैं बस थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ सावित्री माता के, और आपको भी एक सीन देखना, भाई एक चीज दिखाता हूँ आपको। इधर का एक व्यू बहुत अच्छा आएगा, यहाँ की रास्ते में आपको मिल जाएगी, तो पूरा पुष्कर व्यू आता है। और ये है हमारे यहाँ पे कैमल सफारी और थार डेजर्ट भी बोला जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे राइडिंग करवाते हैं थार की। पुष्कर आज भी इजीली दिख रहे हैं यहाँ से, पुष्कर आज है सबसे अलग दिख रहा है पुष्कर आज, क्योंकि बहुत बड़ा है। जल्दी हमें आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी मामा सब लोग आगे निकल गए अपन से, और हम लोग ही पीछे रह गए, तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। गाइस हम लोग काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं, और ये मामी है, और ये मेरी बहन है, ये मेरी भांजी है। ये सब कुछ तो ठीक है, मगर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो सामने पहाड़ है इसके ऊपर एक फ्लैग लग चुका है, ये लगाया किसने, इधर को जाने को रास्ता भी नहीं है। देखो ये पता नहीं इधर क्या कर रहे हैं। ऊपर ही चलते अपन लोग, तो अभी हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं, बस ज्यादा दूर नहीं है सावित्री माता। जय सावित्री माता। अभी इधर से आपको दिखाता हूँ पूरा सीन सावित्री माता का। भाई इस खाई को देखो, जब सावित्री माता का मेला लगता है ना पुष्कर में, उस समय इतनी भीड़ रहती है, इधर की जो रेलिंग होती है ना वो पूरी गिर गई। ये देखो अभी बस आपको ऊपर ही देखने को मिलेगी, बाकी इधर पर एक रेलिंग हुआ करती थी। ये देखो अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो रेलिंग, इससे पता लगा सकते हो कि भाई कितनी भीड़ होती है इधर। देखो ये रोप वे जा रहा है, देखो भाई ये देखो व्यू चेक करो एक बार आप गाइस, सब लोग थक चुके हैं अभी, और सब इधर थक के इधर बैठ गए। ये मामा सबसे आगे पीली टी शर्ट में, शर्ट में सबसे अच्छा टाइम तो है आने का माता के, वो है 6 बजे या फिर 7 बजे का, क्योंकि सुबह इतना धूप नहीं रहती, और 5 बजे के बाद आप आने की मत सोचने, क्योंकि इधर रोपे बंद हो जाता है।
क्या कर रही है? बहुत बुरे लग रहे, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जिस जगह होती है कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग, मालूम नहीं मुझे आपको दिख रहा है क्या। देखो आपको एक एक कैमल तो दिखा दूंगा। देखो थार भी उधर और सब कुछ मिल जाएंगे आपको इधर। वो इधर लोग फोटो शूट के लिए आते हैं, मगर हम तो दोपहर का टाइम है अभी, इसलिए अभी इधर इतने लोग नहीं है। सुबह के टाइम पे बहुत लोग आते हैं इधर फोटो शूट के लिए भी। बस ज़्यादा दूर नहीं है अब सावित्री माता का मंदिर, अब तो बस पास ही है। देखो इधर फोटो खिंचवाने के लिए बहुत से अच्छी अच्छी जगह है। फोटो शूट के लिए तो यही जगह अच्छी है सावित्री माता की भी, और यहाँ पे पुष्कर के अंदर आपको तो बहुत सी ऐसी जगह मिल जाएगी फोटो शूट के लिए तो, और घूमने के लिए भी। अगर आप इस वीडियो को लाइक ज़्यादा करोगे, 200 लाइक कर दोगे आप इस वीडियो को, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ऐसी। ये सब लोग इधर मस्ती करते हुए जा रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ पैदल आना चाहते हो तो सबसे अच्छा टाइमिंग तो 6 से 7 बजे का होगा सुबह का, और क्योंकि अभी हम दोपहर के टाइम आए तो अभी पसीने पसीने हो रहे हैं। प्लीज़ अपना मोबाइल आप छुपा के लाया करो, क्योंकि ये बंदा छीन के ले जाते हैं। बंदर सोचते कुछ खाने की चीज़ है और आपके मोबाइल से फ़ोन उठा के ले जाएंगे। ऐसा था नहीं, फिर वापस आके देंगे मोबाइल। ये मेरी मम्मी है और ये मेरे मामा जी और ये मेरे दोनों सिस्टर्स, और मामी सबसे आगे बैठी है। देखो ये मामी बैठी मेरी, बस थोड़ा सा और दूर है, फ्री ग्राइड मिल रही है इसको। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखो एक और बंदर है, अब मोबाइल थोड़ा पास लाना पड़ेगा। बाय चांस मोबाइल तो छीन लिया ना, घर वाले कूटेंगे पकड़ के। बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। गाइस बंदर को प्रसाद दिख गया था, ये देखो प्रसाद ले लिया बंदर ने, इसलिए मैंने बोला था मोबाइल सब छुपा के चला करो।
मामी ने इतना छुपाया फिर भी देखो ये पकड़ लिया। नारियल बचा बस, देखो भाई यानी कोई नोटिस ना करी मामी, पकड़ लिया यार, टारगेट कर लियो और पीछे से अगरबत्ती दिख रही हो। नहीं न्यू करी समझ गई, देख खुशी भाई वो थैली भरेगा। मेरी मामी को पकड़ लिया, देखो ये प्रसाद ले लिया। नारियल तो आ गयो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नारियल तो आ गयो। भाई प्रसाद पकड़ा भी समझो, अभी ऐसा वीडियो बनाते हुए चलो तो मोबाइल पकड़ ले। नहीं अगरबत्ती दिखी देखे को नहीं हुआ कुछ, अगरबत्ती दिखी मैंने देखी मैं तो सोचिए जगह बच्चों तो दो बच्चों नहीं एन घुट मुट कर रहे हैं रास्ते में पूरा पकड़ लिया बंदरों ने। ये देखो बच्चा कुछ प्रसाद भी सारा ले लिया, पकड़ लिया गाइस, बहुत डर लग रहा है बीबी। वीडियो नहीं बना पाया राइट गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं सावित्री माता के मंदिर, अभी इधर बिल्कुल भीड़ तो है नहीं। अबे ये कैसे लेकर आया हूँ मैं यार ऊपर ये घर बनाने का। मंदिर से बाहर तो आ गए हम लोग, और मैंने वो मंदिर के बाहर से वीडियो बनाई थी क्योंकि वो भैया मना करने लग गए कि वीडियो अंदर नहीं चलेगी, वीडियो नहीं, वीडियो नहीं। देखो ये पीछे वाला रास्ता इस साइड आप आ सकते हो, ये मंदिर से इस साइड से आता है, ये पास कोई और रास्ता है ये वो देखो। अच्छा व्यू आता है इधर तो, मतलब पुष्कर आओ तो एक बार तो इधर आना कंपलसरी है। क्या कर रहे हैं ये, कैंटीन बंद क्यों, इधर कैंटीन हमेशा चालू रहता है। काफी बजे उस दिन रात को आए थे हम लोग, फिर भी कैंटीन चालू था। ये लोग पता नहीं पत्ता का घर बना के अब मन्नतें मांगेंगे। ये पता नहीं इधर कुछ है ऐसा जो पत्थर का घर बनाते हैं उसके बाद कोई विश मांगते हैं। कुआ है क्या, ये कुआ टाइप का है मगर इसमें पानी नहीं है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, ये देखो इधर देखो कितने सारे घर है, कोई पैरों के नीचे आके गिर ना जावे आप लग जाएगा। ये साइड से निकल जाते हैं, अरे यार भाई अगर ये पत्थर ना हो ना और ऐसा कोई गिर जाए बाय चांस खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।
एक साइड बंद है इधर से, पीछे वाला रास्ता है ये। ये इलाका पूरा ऐसा जंगल टाइप का है ये वाला, है ना। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, उन लोगों के पास चलते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। अभी उस तरफ का व्यू ले लेते हैं एक बार, मामा जी किधर जा रहे हैं। तो उस तरफ भी रेलिंग नहीं है, इस तरफ रेलिंग है, इस तरफ रेलिंग नहीं है। इस साइड को एक बंदा था जो फोटो शूट कर रहा था, वो गिर गया, मगर नीचे गिरा, मगर हॉस्पिटल में काफ़ी दिन तक था वो। तो फोटो शूट करो तो थोड़ा ध्यान से करना। तो गाइस ये वीडियो बस यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मेरे को 200 लाइक अगर आप कर दोगे तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। और तो अभी लाइक कर रहा है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दो। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, कभी भी आओ तो प्रसाद को संभाल के लाना, क्योंकि भाई बंदर ने हमारे पास हमसे दो दो बार प्रसाद छीने, एक बार तो मम्मी के साथ, एक बार मामी जी के साथ। तो ठीक है, बाय।